वेलकम टू टीचर्स आई एम योर गाइड फॉर इंग्लिश लिटरेचर प्रोफेसर ऐश्वर्यापुरी वेलकम टू माई क्लास बहुत ही कमाल का सेशन रहने वाला है आज का सेशन इस तरीके से डिजाइंड है कि जो हंड्रेड मार्क्स का डी ट्रिपल एस पी में लिटरेचर वाला सॉरी इंग्लिश वाला सेक्शन आता है उसमें लिटरेचर के अप्रोक्सीमेटली फोर्टी टू सिक्सटी मार्क्स या फोर्टी टू सिक्स क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं आज की इस डेढ़ घंटे की क्लास में नाइन्टी मिनट्स में मैं आपको सारा मैं आपको पहले ही सारा देखो ये प्रिडिक्ट कर देती हूँ यहाँ पे आ रहेगा सिस्टम तो अपनी क्लास जो है आज की चलेगी वो 90 मिनट्स के लिए इन 90 मिनट्स की क्लास में हम अप्रॉक्सीमेटली जो है 80 क्वेश्चंस को कवर करेंगे और इन 80 क्वेश्चंस को कवर करके जो है हम 60 प्लस मार्क्स जो हैं वो लिटरेचर वाले पोर्शन से जो है उठाने की कोशिश करेंगे तो इस एजेंडा के साथ मैंने आज की क्लास को डिजाइन किया है गुड इवनिंग माई डियर ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो का लिंक शेयर कीजिए ताकि ज्यादा ज्यादा से जादा लोग इस क्लास का बेनिफिट ले रितु प्रीति वेलकम टू द क्लास चलिए विदाउट एनी फर्दर आज के सेशन को करते हैं बिगिन uh, आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये ये सारे वो टॉपिक्स मैंने रखे हैं डी ट्रिपल एस पी पीजीटी डी ट्रिपल एस एसपी पीजीटी इंग्लिश मैराथन ठीक है ये सारे ही वो क्वेश्चन हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दे आर फ्रॉम योर डी ट्रिपल एस हाय सरिता हाय दीक्षा कैसे हैं सब लोग चलो फटाफट से आंसर कर दो पहला क्वेश्चन विच वर्क ऑफ चौसर इज विच ऑफ विच वर्क इज नॉट अ वर्क ऑफ चौसर द हाउस ऑफ फेम द लेजेंड ऑफ गुड विमेन द आउल इन द नाइटिंगेल या फिर रिमोट ऑफ द रोज बताइए इस क्लास में हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे एक क्वेश्चन पे ज्यादा रुकेंगे नहीं ठीक है हाँ जी बिल्कुल प्रिया यूजीसी वाले भी कर सकते हैं बिकॉज लिटरेचर के क्वेश्चन हैं, तो आपको डेफिनेटली एक प्रैक्टिस मिल जाएगी इसका बेनिफिट मिल जाएगा आंसर आने लग गए ऑप्शन सी ऑप्शन सी चलिए Very good. Right answer is option C. The owl and the nightingale, which is Chaucer's prose work. इसमें से कौन सा work जो है Chaucer का prose works है? वैसे आप लोग जानते हो mostly Chaucer की poetry हम read करते हैं, लेकिन Chaucer ने एक famous prose work भी लिखा है, जो UGC net का previous year question भी है, ठीक है? Treatise on the Astrolabe, The Legend of Good Women, Trials and Criseyde या फिर The House of Women. बताइए इसमें से कौन सा जो वर्क है वो चौसर का प्रोज वर्क है आंसर फटाफट से क्विकली फटाफट से प्लीज क्विक आंसर्स हम्म ऑप्शन सी ट्रॉयलस इन क्रेसीडे ट्रॉयस इन क्रेसीडे सबका यही आंसर है सब एक दूसरे को देख के आंसर कर रहे हैं क्या द राइट आंसर इज ऑप्शन वन ट्रीटीज ऑन दी एस्ट्रोलेब ठीक है ट्रीटीज ऑन दी एस्ट्रोलेब लेजेंड ऑफ गुड वुमेन ट्रॉयलेस एंड क्रेसीज द हाउस ऑफ फेम ये सारे के सारे इनके वर्ड्स हैं इनके सारे के सारी पोएम्स हैं इनकी द ट्रीटीज ऑन दी एस्ट्रोलेब वैसे भी याद रखना कहीं पे भी वर्ड आगे से ध्यान रखना ट्रीटीज अगर आ गया इसका मतलब वो एक बेसिकली एसे है एसे है प्रोज का वर्क है ठीक है ऐसे वर्क है प्रोज का वर्क है ठीक है

इसमें से कौन सा वर्क जो है वो चौसर की डेथ पे लिखा गया था उनकी डेथ को लेमेंट करने के लिए अगर आपको क्लास में मजा आ रहा है तो डेफिनेटली क्लास को लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस क्लास का लिंक शेयर कीजिए थैंक यू मौसमी प्लीज पार्टिसिपेट इन द क्विज मौसमी ऑप्शन ए ऑप्शन बी

अगर हम यर्स को देखें तो इनसे क्लोजेस्ट थे इनके लिविंग पीरियड में ऑप्शन ए ऑप्शन सी विलियम लैंगलैंड और जॉन गावर के बीच में कंफ्यूजन दिख रही है द राइट आंसर इज गोइंग टू बी विलियम लैंगलैंड ठीक है जॉन गाबर भी इनके कंटेम्प्रेरी थे विलियम लैंगलैंड भी इनके कंटेम्प्रेरी थे पर अगर आप एज इनके बर्थ को देखो तो विलियम लैंगलैंड इज में क्लोजर हैं इनसे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन डैश कॉल चौसर द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री किसने चौसर को कहा था दैट ही इज द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री ड्राइडन स्पेंसर सिडनी आर्नल्ड ऑप्शन ए ड्राइडन बिल्कुल बिल्कुल जॉन गावर वही हैं जिनको मॉरल गावर बुलाते थे बिकॉज वो उनके जो सारे वर्क्स होते होते थे वो होते थे नेचर, वो वो नेचर वर्ग्स कोई ना कोई लेसन जो है उसको टीच कर रहे होते थे बहुत ही बढ़िया बात है राइट right आंसर है राइट आई थिंक सभी का करेक्ट है वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन डैश सेज अबाउट चोसर्स कैरेक्टर्स हेयर इज गॉड्स प्लेंटी चोसर के जो कैरेक्टर्स थे इन कैंटेबरी टेल्स उसके बारे में किसने कहा था हेयर इज गॉड्स प्लेंटी डॉक्टर सैमुअल जॉनसन जॉन ड्राइडन एलेक्सेंडर पोप या फिर सैमुअल टेलर कोलरिज हेलो प्रियांशु एग्जाम टेक्निकल रीजंस की वजह से इन्होंने डिले किया है तो वैसे तो दो हफ्ते से ऊपर होना नहीं चाहिए कुछ तरीके के र्यूमर्स यहाँ वहां स्प्रेड हो रहे हैं बट एग्जैक्टली जब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आती है तब तक हम बता नहीं सकते कि सच क्या है और झूठ क्या है टू बी वेरी ऑनेस्ट द राइट आंसर इज ड्राइडन ऑप्शन बी इन विच मिट चोस पिलग्रिम्स गो ऑन पिलग्रिमेज ये तो आपका डी ट्रिपल एस बी का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है डी ट्रो प्लस बी पीजीटी का ही पी वाई क्यू है चौसर की कैंटेबरी टेल्स में जो पिलग्रिमेज ली जा रही है किस मंथ में ली गई है जनवरी अप्रैल मार्च फेब्रवरी बताइए पेपर वन में आती है पेडागोजी हां जी पेपर टू की भी है इंग्लिश की अलग से है और पेपर वन की अलग है बहुत ही बढ़िया बात है द राइट आंसर इज अप्रैल ये भी आपको मैंने क्लास में बताया था आई थिंक हम मेरे प्रैक्टिस बैच में डिस्कस भी कर रहे थे कि जो ओरिजिनल uh, प्रिलग्रिमेज uh, ली जाती थी ठीक है सेंट कैंटेबरी की वो एक्चुअली दिसंबर के मंथ में ली जाती थी अप्रैल में नहीं लेकिन क्योंकि उनको जो है एक न्यू ईरा का एक न्यू सोशल ऑर्डर का बिगिनिंग दिखाना था इसलिए उन्होंने स्प्रिंग का मंथ चूज किया उन्होंने अप्रैल का मंथ चूज़ किया take okay, a next question one of the portraits in the prologue is that of the wife of bath what is bath the christian name of the lady the name of the town to which she belonged the name of her husband the surname of the lady हम्म ऑप्शन बी आ रहा है बीच में एक ऑप्शन सी भी आ रहा है करेक्ट आंसर है इट वॉज द नेम ऑफ द टाउन दैट शी बिलोंग टू इट इज बिलीव दैट द होस्ट एट द इन वॉज अ रियल मैन हु इज द होस्ट हेनरी बेली हॉरी बेली हॉर्नी बेली या फिर हैरी बेली

so okay dhakurd this is for pgt this is for dtsp pgt marathon class but even tgt students can attend because even they can benefit from these questions so please do attend the class hmm very good very good

द आदर टेल नौ द राइट आंसर इज ऑप्शन सी होमर होमर से उन्होंने कोई भी कैरेक्टर नहीं लिया है कोई भी सोर्स नहीं लिया है ठीक है उन्होंने दांते द

एडवर्ड दर्ड हेनरी द फोर्थ रिचर्ड द सेकंड हेनरी द फोर्थ या फिर ऑफ़ जी वेरी गुड खुशबू वेरी गुड दैट्स वेरी नाइस हम्म बहुत ही बढ़िया चौसठ थ्री रूलर्स के रेन की ड्यूरिंग रहे थे

वेरी गुड खुशबू खुश ड्राइडन ने कहा था ऑप्शन डी स्पेंसर ने कहा था द राइट आंसर इज ऑप्शन डी स्पेंसर ने कहा था ठीक है विच ऑसर इज बॉर्न आर रियल पोएट्री किसने कहा था ये एडिसन स्पेंसर ड्राइडन मैथ्यू आर्नल्ड किसने कहा था विच ऑसर इज बॉर्न आर रियल पोएट्री

बताइए जी हाँ जी आई एम लर्निंग साइलेंटली क्या आंसर क्या आ रहे हैं ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन बी इज लूस ऑप्शन सी इज एफ आर प्रोफेसर एफ आर लूस द राइट आंसर इज ऑप्शन बी लोइस लोएस ने कहा था दैट ही फाउंड आर इज टायन अ लैंग्वेज अजर इज द दर्स्ट ऑफ द ग्रेट मॉडर्न किसने कहा था ये ड्राइडन आर्नल टी एस एलियट बेन जॉनसन बताइए Hmm. Chaucer is the earliest of the great moderns. Dryden, Matthew Arnold, T.S. Eliot, Ben Jonson. Option B, Matthew Arnold. The right answer is option B, Matthew Arnold. Very good. Next question. If Chaucer is the father of English poetry, he is the grandfather of the English novel. Who makes this remark? जी के चेस्टरटन रस्किन वॉल्टर पैटर या कोलरिज चौसर इज द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री ही इज द ग्रैंड फादर ऑफ द इंग्लिश नॉवल हु मेक्स दिस रिमार्क ऑप्शन ए जी के चेस्टरटन ऑप्शन ऑप्शन डी कोलरिज राइट आंसर इज ऑप्शन वन जी के चेस्टरटन देर आर टोटल डैश नंबर ऑफ प्लेस दैट शेक्सपियर राइट इन ऑल शेक्सपियर ने टोटल कितने प्लेस लिखे थे सिक्सटी थर्टी एट थर्टी सेवन ट्वेंटी शेक्सपियर ने टोटल कितने प्लेस लिखे थे हम्म याद रखिए वेरी राइट आंसर अ पॉसिबिलिटी कि उन्होंने थर्टी सेवन से ज्यादा लिखे होंगे बट हमारे पास वो नहीं है हमारे पास थर्टी सेवन कंपाइल्ड है इनकी जो फर्स्ट फोलियो आई थी उसमें थर्टी सिक्स प्लेस ही थे ठीक है ना ये आई थी सिक्सटीन ट्वेंटी थ्री में फिर जो इसकी फोलियो की सेकेंड एडिशन आई थी सिक्सटीन थर्टी टू में उसमें जो है थर्टी सेवन प्लेस आ गए थे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन डैश कॉल शेक्सपियर एंड अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड फेदर्स जॉन लाइली रॉबर्ट ग्रीन थॉमस किट जॉर्ज पील जी ऑप्शन बी सिंपल सा क्वेश्चन है वेरी गुड ठीक है रॉबर्ट ग्रीन ने जो है उनको ये नेगेटिव कमेंट कहा था हु रेडिक्यूल शेक्सपियर दैट ही न्यू स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक मार्लो सिडनी स्पेंसर बेन जॉनसन वेरी गुड नुपुर पेरिकलिस जो था जो उनके लास्ट फेज का प्ले है वो पहले एडिट नहीं था उसको फिर बाद में एड किया गया था थैंक यू कुंदन आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें ठीक है वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो राइट आंसर इज बेन जॉनसन राइट आंसर इज ऑप्शन डी बेन हु सेड शेक्सपियर हैज ओनली हीरोइंस एंड नो हीरोज हीरोन डॉक्टर जॉनसन मैथ्यू आर्नल्ड या टी एस एलियट किसने कहा था दैट ही हैड ओनली हीरोइंस एंड नो ही रोस आई एम गुड थैंक यू आप लेट हो गए ज्वाइन करने में प्लीज ज्वाइन कर लो क्लास को आधे घंटे की हो गई ये क्लास बट ये क्वेश्चंस यूजीसी वालों को भी बेनिफिट देंगे ओके, राइट आंसर इज जॉन रस्किन जॉन रस्किन टूक हिज नॉवल ब्रेव न्यू वर्ल्ड या एंटनी एंड क्लियोट्रा ब्रेव न्यू वर्ल्ड करके एक नॉवल लिखा था ऑल दो हक्सली ने उसका टाइटल कहां से लिया था मिड समर नाइट स्ट्रीम से विंटर्स टेल से टेम्पेस्ट से या फिर एंटनी एंड क्लियोपैट्रा से ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी द राइट आंसर इज माई डरेस्ट लर्नर्स टेम्पेस्ट ठीक है इस इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग हमेशा मैं एक स्मार्ट तुक्के वाली बात करती हूँ उससे भी आंसर कर सकते हो स्मार्ट तुक्के से कैसे करोगे ब्रांड न्यू ब्रेव न्यू वर्ल्ड ठीक है न्यू वर्ल्ड की बात हो रही है आपका कीवर्ड बन गया है क्वेश्चन में न्यू वर्ल्ड है ना न्यू वर्ल्ड टेम्पेस्ट है ना जिसमें वो लोग मेन सिविलाइजेशन से दूर हटके एक आइलैंड की दुनिया में जो है कुछ कुछ एक्टिविटीज चल रही हैं तो कहीं ना कहीं जो है ये आपको हिंट बन सकता था इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए शेक्सपियर वॉज बॉर्न एट स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवॉन। स्ट्रैटफोर्ड वॉज द नेम ऑफ द टाउन वॉट वॉज ए मुझे एलिजिबिलिटी याद नहीं है बाबा सॉरी मैं बहुत टाइम पहले इस पे सेशन लिया था Uh, मुझे थोड़ा रहता कम याद रहती है एलिजिबिलिटीज वैसे भी आप ये जो डाउट है ना वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना मैं वहीं आके आपको इसका आंसर कर दूंगी कि किसी से पूछ के मैं आपको गलत इंफॉर्मेशन नहीं दे सकती हूँ बहुत ही बढ़िया सरिता बहुत अच्छा किया मैं बता रही हूँ आप लोगों को स्मार्ट मेरा जो स्मार्ट तुक्के वाली ट्रिक हमेशा यूज किया करो ठीक है चलो वेरी गुड द राइट आंसर इज इट वॉज अ रिवर ठीक है एवन उस रिवर का नाम है जिसके ऊपर स्ट्रैटफोर्ड का सिटी सिचुएटेड है शेक्सपियर्स किंग लेयर वॉज गिवन अ हैप्पी एंडिंग बाई वन ऑफ द फॉलोइंग प्ले राइट आइडेंटिफाई द राइट नेहून टेट नथानियल, ली थॉमस ऑटवे या फिर जॉर्ज फार्क हाँ जी द राइट आंसर इज ऑप्शन ए एंडिंग किंग नाहऑल्टर की जो एक हैप्पी एंडिंग थी एज के नॉट नॉर कस्टम स्टेल ये शेक्सपियर के एक प्ले से ली गई लाइन हैं उनकी एक फीमेल कैरेक्टर के लिए एक हीरोइन के लिए कौन सी हीरोइन है वो डेस्टिमोना कॉडिलिया क्लियोपैट्रा या मिरांडा साथ साथ ये भी आइडेंटिफाई कर दो ये सारी हीरोइंस जो हैं कौन कौन से प्लेस की हैं हीरोइंस कौन कौन से प्लेस को बिलोंग करती हैं ये भी आइडेंटिफाई कर दोगे तो मजा आ जाएगा हम्म चलो वेरी गुड द राइट आंसर इज क्लियोपैट्रा फीमेल्स को भी आइडेंटिफाई कर दो डेस्डी मोना है ओथेलो की हीरोइन पॉडेलिया है किंग लियर की हीरोइन ट्रा है एंटनी एंड क्लियोपैट्रा की हीरोइन एंड मिरांडा है द टेम्पेस्ट की हीरोइन ठीक है ये आपकी सारी हीरोइन हो गई है वेरी गुड वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन इमोजिन इज द मेन कैरेक्टर एंड हर हीरोइन ऑफ एंड हीरोइन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इमोजन शेक्सपियर के कौन से प्ले की हीरोइन है विंटर्स टेल सिंबलिन या फिर टेम्पेस्ट स्लो चल रहे हैं हम लोग स्पीड में थोड़ा सा प्लीज स्पीड खींच लीजिए ठीक है ना थोड़ा स्पीड खींच लीजिए स्लो चल रहे हैं थोड़ा सा स्पीड में हां जी, वॉट इज द राइट आंसर सिंबलिन सिंबलिन की हीरोइन है इमोजीन द ग्रेटेस्ट जीनियस दैट पर ह्यूमन नेचर हैज येट प्रोड्यूस्ड आवर मिरियाड माइंडेड शेक्सपियर हु मेक्स दिस ऑब्जर्वेशन हैजलेट कोलरिज साउथी बायरन हैजलेट कोलरिज साउथी बायरन किसने शेक्सपियर को लेके ये एक ऑब्जर्वेशन की थी हैजलेट कोलेरिज साउथी या फिर बायरन द राइट आंसर इज कोलेरिज विच वॉज द लास्ट प्ले रिटर्न बाई शेक्सपियर सिंबल इन विंटर स्टेल द टेम्पेस्ट पेरिकलिस एक्चुअली दरअसल क्या बात है ना कि दस बीस सेकंड का लैग आता है मतलब आपको यहाँ से मेरा सिग्नल जा रहा है फिर आपका सिग्नल मेरे तक आ रहा है इसमें 10 से 12, 12 से 15 सेकंड का लैग आता है उस वजह से जो है कि जब तक मैं क्वेश्चन पूछती हूँ वेट करती हूँ आपके आंसर्स का आपके आंसर दस बारह सेकेंड बाद बाद में आते हैं मुझे ये दिक्कत आती है इसमें एनी चलो विच वॉज द लास्ट प्ले रिटन बाय शेक्सपियर ऑफ कॉर्स द टेम्पेस्ट ऑप्शन सी द टेम्पेस्ट इज द राइट आंसर स्वीट आर द यूज ऑफ एडवर्सिटी दिस लाइन इज रिलेटेड टू विच प्ले कौन से शेक्सपियरियन प्ले से ये कोट उठाया गया है स्वीट आर द यूज ऑफ एडवर्सिटी द मर्चेंट ऑफ वेनिस रोमियो एंड जूलियट ट्वेल्थ नाइट या फिर आज यू लाइक इट करिए आइडेंटिफाई करिए द राइट आंसर इज एज यू लाइक इट एज यू लाइक इट प्ले में ये कोट यूज किया गया है नेम इज वुमन ये कौन से शेक्सपीरियन प्ले से कोट उठाया है वेरी फेमस वेरी सिंपल क्वेश्चन नथिंग टेक्निकल बहुत ही ऑफ्टनली कोटेड कोट है ये ओथेलो मैकबेथ किंग लियर हैमलेट हैमलेट जो है वो सॉरी हैमलेट किस प्ले में ये कोट यूज किया गया है the right answer is Hamlet. Sorry, flow, flow, में मेरे मुंह से ही निकल गया अ बोरवर नॉर लेंडर बी फॉर लोन ऑप्शन चिन लूजेज बोथ इट सेल्फ एंड फ्रेंड दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम हेमलेट हुईमलेट लेटिस लेटस रेशियो पलोनियस Hanji, the right answer is Polonius. Next question. There's a divinity that shapes our ends. Rough hew them how we will. These lines are taken from which of the following plays by Shakespeare? Hamlet, Othello, King Lear, or yeah, none of these? राइट आंसर इज है ये नेक्स्ट क्वेश्चन टावर्स डाय मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथर टेस ऑफ डेथ बट वंस बहुत अगेन वेरी फेमस कोर्ट बाय शेक्सपियर कौन से प्ले से लिया गया है ये मैकबेथ ओथेलो एंटोनियन क्लियोपैट्रा या फिर जूलियस सीजा

राइट आंसर इज मैकबेथ किस ओकेजन पे वेन ही फाइंड आउट अबाउट द डेथ लेडी मैकबेथ इस कोर्ट में से आने वाले टाइम में एक नॉवल भी लिखा गया है साउंड एंड फ्यूरी टाइटल से एक राइटर ने नॉवेल लिखा था कौन है वो राइटर कौन है वो राइटर जिसने फ्यूचर में साउंड एंड फ्यूरी नाम का फिर एक नॉवल भी लिखा है फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए खोल देती हूँ यहाँ पे दिस रॉयल थ्रोन ऑफ किंग्स दिस कैप्टर्ड आइल दिस अर्थ ऑफ मेजेस्टी दिस सीट ऑफ मार्स दिस अदर ईडन डेमी पैराडाइज दिस फोर्ट्रेस बिल्ड बाई नेचर फॉर हर सेल्फ अगेंस्ट इन्फेक्शन द हैंड ऑफ वॉर हु एक्सप्रेसिस दीज स्टेटमेंट्स इन रिचर्ड द टू रिचर्ड द टू प्ले में ये बहुत ही फेमस एक कोट है किसने बोला था इसको रिचर्ड द टू ने बोलिंग ब्रोक ने जॉन ऑफ गॉन्ट ने या फिर क्वीन ऑफ रिचर्ड द टू वेरी गुड गरिमा वेरी गुड विलियम फॉकनर विलियम फॉकनर ने ये एक नोवेल लिखा था विलियम फॉकनर कौन है एक बहुत ही फेमस अमेरिकन राइटर है पोएट लिख रही थी राइटर है प्रोज़ राइटर है ये भी एक बात देखना इस बार मैंने ट्रेंड देखा है एचटेट में एनवीएस में केवीएस एलडीसी पीजीटी में और यूजीसी नेट में राइटर्स की नेशनैलिटीज पे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कौन सा राइटर किस कंट्री को बिलोंग करता है तो कोई भी आप राइटर कवर करते हो उसको आपने नेशनैलिटी उसकी जरूर आपने देखनी है ठीक है ना तो जैसे फिल्म फॉकनर एक अमेरिकन राइटर है ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और सॉरी इस क्वेश्चन का आंसर है जॉन ऑफ गोंट जॉन ऑफ गोंट का ये फेमस कोट है नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज द मैसेंजर ऑफ फेरीज इन द टेम्पेस्ट द टेम्पेस्ट प्ले में फेरीज का मैसेंजर कौन है एरियल जूनो कैलिबान या फिर आयरस हम्म hmm. फेरिस का मैसेंजर कौन है टेम्पेस में वेरी गुड द राइट आंसर इज एरियल नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर सच स्टफ्स एज ड्रीम्स आर मेड ऑफ एंड आवर लिटिल लाइफ इज राउंडेड विद अ स्लीप ये पिछले कई बार अलग-अलग टीजीटी पीजीटीज में पूछा गया है नंबर वन नंबर टू ये इस बार के यूजीसी नेट में पूछा गया है ठीक है किसने जो है यह कोट कहा है ब्रूटस प्रोस्परो हैमलेट पोलोनियस ये कई बार टीजीटी पीजीटी में रिपीट हुआ क्वेश्चन है इस बार यूजीसी नेट में भी इसमें से क्वेश्चन आया है ब्रूटस प्रोस्पेरो हैमलेट या पोलोनियस हां जी द राइट आंसर इज

ये ऐसे लिखा किसने था डॉक्टर सैमुअल जॉनसन मैथ्यू आर्नल्ड विलियम हैजलेट या फिर सैमुअल टेलर कोलरिज हाँ जी वेरी गुड द राइट आंसर इज डॉक्टर सैम्यूल जॉनसन विच इज नॉट अ रोमन प्ले शेक्सपियर के चार प्लेज हैं इसमें से कौन सा उनका रोमन प्ले नहीं है एंटनी एंड पैट्रा टिमोन ऑफ एथेंस टाइटस एंड रॉनिकस या फिर कोरियोलिनस द राइट आंसर इज टिमोनोफे टिमोनोफेन्स इनके ग्रीक इनका एक ग्रीक प्ले है ठीक है बाकी के जो तीन है वो उनके uh, रोमन प्लेस हैं ये वाला उनका जो है ग्रीक प्ले है इन विच येक्सपियर सोनिट्स पब्लिश ये भी डी नहीं ये शायद मैं प्रैक्टिस में, में करवा रही थी ये मैं प्रयास बैच जो था डी ट्रिपल एस बी का उसमें मैं ये करा रही थी हाँ जी The right answer is option C. The right answer is option C 1609 May in case on its published. Thi. Next question. Others abide our question, thou art free. We ask and ask, thou smilest and art still. Outtopping knowledge. These lines are written in praise of Shakespeare. Who is the writer of these lines? William Hazlitt, Coleridge, Matthew Arnold, Riafre Lord, Alfred Tennyson. ये यही थिंक के सो वी हैव एंटनी एंड क्लियोपैट्रा ठीक है इसके बाद वी हैव कुरियोलिनस टाइटस एंड ठीक है और कौन सा था एक सेकेंड रोमन रोम का और कौन सा इंपॉर्टेंट है वो तो जूलियस इनका रोमन प्ले है ठीक है हाँ जी क्या आंसर है इस क्वेश्चन का क्या आंसर किया सबने ऑप्शन सी मैथ्यू आर्नल्ड वेरी राइट वेरी गुड मैथ्यू मैथ्यू आर्नल्ड ऑप्शन सी Soul of the age, the applause, the delight, the wonder of our stage, my Shakespeare, rise. किसने कही है शेक्सपियर के लिए ये लाइन्स ड्राइडन स्पेंसर बेन जॉनसन या फिर डॉक्टर सैमुअल जॉनसन डी ट्रिपल एस बी में आ, नहीं सीटेड तो आई थिंक क्लियर होना ही होता है सीटेड तो आपको बेसिकली क्लियर ही चाहिए इसमें आपको ये है कि आई थिंक बी एड की ज़रूरत नहीं है लेकिन आपको सीटेड तो आई थिंक चाहिए बेसिक मैं एक्चुअली सॉरी शतानशु मेरा ये एलिजिबिलिटी वाला पोर्शन बहुत ही वीक है बहुत ज्यादा मैं आप लोग ही अपने एलिजिबिलिटी रिलेटेड डाउट्स प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए मैं पक्का सिंह का रिप्लाई आप लोगों को कर दूंगी पर राइट right सोर्स से पता करके मैं गलत इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहती आपको सो एलिजिबिलिटी रिलेटेड डाउट्स तो खैर मुझे खुद भी नहीं पता है ठीक है द राइट आंसर इज बेन जॉनसन वॉट इज रेप ऑफ लुक्रीस नैरेटिव पोएम एंड अर्ली कॉमेडी या फिर अरेटिव अरे क्वेश्चन दो ऑप्शन रिपीट हो गए एक मिनट रोकिए सोनेट नरेटिव पोएम अ लिरकल पोएम बताइए अच्छा हाँ मैंने अगेन आई सेड आई कुड हैव गिवन द रोंग आंसर ठीक है आप लोग प्लीज आंसर दे दो मैं फिर भी एक बार कंफर्म करके बता दूंगी बट देन माय एलिजिबिलिटी पोर्शन इज रियली वीक सो so, प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट में लिख देना मैं उस पर अपनी तरफ से पता करके आपको बता दूंगी जी तो इसमें फिर बी चाहिए या नहीं चाहिए मैं फिर वही कंफ्यूज आई थिंक करी थी कोई एक चीज़ है जो नहीं चाहिए बी आपको चाहिए या नहीं चाहिए पीजीटी के लिए ओके ओके हम्म द राइट आंसर इज ऑप्शन बी इट इज अरेटिव बाय विलियम शेक्सपियर इन विच प्ले डज मोइनी अपियर एज द दिरोन शेक्सपियर के किस प्ले में हर आती है एज अ फीमेल कैरेक्टर टिमोन ऑफ एथेंस विंटर्स टेल सिंबलिसन ओके हम्म बी एड रिक्वायर्ड है लेकिन सीट एट रिक्वायर्ड नहीं है ठीक है हां जी हर मोइनी उनके कौन से प्ले की फीमेल हीरोइन है विंटर्स टेल की ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर वॉट इज द फ्रेज द माउस्ट्रैप यूज बाई शेक्सपियर इन हेमलेट हेमलेट में शेक्सपियर ने माउस्ट्रैप किस वर्ड के लिए किस चीज के लिए यूज किया था ये वर्ड द प्ले विद इन प्ले इन हेमलेट द गोस्ट ऑफ हैमलेट फादर द प्ले विद इन प्ले इन सॉरी ये कुछ कुछ क्वेश्चन इसमें रिपीट हो रहे हैं द प्ले विद इन प्ले बताइए चलो द प्ले विद इन प्ले इन हेमलेट वेरी गुड ड्राइडन ऑल फॉर लव इज बेस्ड ऑन शेक्सपियर्स विच प्ले एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा रोमियो एंड जूलियट टेम्पेस्ट या फिर द मर्चेंट ऑफ वेनिस ड्राइडन का एक फेमस प्ले है ऑल फॉर लव उन्होंने शेक्सपियर के किसी एक प्ले से इंस्पायर होकर लिखा था किससे इंस्पायर होकर लिखा था एंटोनी एंड लियोपैट्रा रोमियो एंड जूलियट टेम्पिस्ट या फिर द मर्चेंट ऑफ वेनिस हम्म, राइट आंसर इज ऑप्शन ए एंटनी एंड क्लियोपैट्रा एंटनी एंड क्लियोपैट्रा What's in a नेम इज पार्ट ऑफ which ऑफ द फॉलोइंग बहुत ही कॉमन बहुत ही बेसिक सिंपल सा क्वेश्चन है ठीक है नाम में क्या रखा है व्हाट्स इन अ नेम ये शेक्सपियर का बहुत ही फेमस quote है एक एफरिज्म है एक बहुत ही oftenly कोटेड quote है मतलब यूनिवर्सली हम इसको यूज करते हैं किस उनके से था Hamlet, Julius Caesar, रोमियो एंड जूलियट क्या आंसर होगा इसका वेरी गुड ऑप्शन डी रोमियो एंड जूलियट का ये कोट है फेम इज द लास्ट इन्फर्मिटी ऑफ द नोबल माइंड इन विच पोयम ऑफ मिल्टन दिस लाइन अकर जॉन मिल्टन की किस पोयम में ये फेमस कोट आता है फेम इज द लास्ट इन्फर्मिटी ऑफ द नोबल माइंड लाइसिडस पैराडाइज रीगेन कोमस या सैमसन एगोनिस्टिस राइट आंसर इज लाइसिडिस लाइसिडिस क्या है एक पेस्टोरल एलर्जी है उन्होंने अपने फ्रेंड के लिए लिखी थी हाउ मेनी सोनेट्स डिड मिल्टन राइट मिल्टन ने टोटल कितने इंग्लिश सोनेट्स लिखे थे ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी फोर द राइट आंसर इज ऑप्शन सी एटीन सोनेट्स उन्होंने टोटल इंग्लिश में लिखे थे मिल्टन का कोमस क्या है पोइटिक प्ले है नैरेटिव पोयम है मास्क है एलिजी है मिल्टन का कोमस क्या है पोइटिक प्ले है नैरेटिव पोयम है मास्क है एलिजी है

हम्म hmm. ऑप्शन <laughs> कोई बात नहीं सुमन ग्रेट हां जी क्या है ऑन क्राइस नेटिविटी उनका एक वो है ओड है नेटिविटी ओड इसका ऑल्टरनेटिव टाइटल है नेटिविटी ओड ठीक है हां जी चलो इज अ पेस्टोरल एलर्जी रिटन बाय मिल्टन ऑन द डेथ ऑफ फ्रेंड एडवर्ड किंग आर्थर हैलम या फिर लॉर्ड क्रॉम आधा घंटा बचा है साढ़े चार होने में तीस क्वेश्चंस हमारे बचे हैं थर्टी एटी क्वेश्चन का टारगेट था आज का तो ऑलमोस्ट हमें हर मिनट में एक क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा तो थोड़ा सा स्पीड खींचेंगे अब यहाँ से बदतमीजी करने वालों को कोई बात नहीं ना मैं ब्लॉक करने का ऑप्शन है क्लास से हटा देती हूँ कोई दिक्कत नहीं है हाँ <laughs> जी पोएम है ओड है ओड है श्रद्धांशु बिल्कुल जी वेरी गुड द राइट आंसर इज एडवर्ड किंग मिल्टन डिराइव द टाइटल फॉर हिज एरियोटिका फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एरियो वॉट वॉज एरियो द ग्रीक गॉड ऑफ लिबर्टी A Greek king who supported freedom of speech, a Greek hill where a tribunal for liberty of speech was held, a Greek statesman who championed the cause of liberty of speech. Bata ye. An ideal is an ideal pastoral setting. अगर मैं किसी चीज को बोलूंगी दैट समथिंग इज आइडियलिक मतलब इट हैज एन आइडियल पेस्टोरल सेटिंग ठीक है एन आइडियल देन बिकम्स अ काइंड ऑफ अ पेस्टोरल पोयम हां जी द राइट आंसर इज ऑप्शन सी एक ग्रीक हिल थी एरिओपागस जहां पे एक ट्रिब्यूनल या फिर या फिर हम कह सकते हैं एक कॉन्फ्रेंस एक पार्लियामेंट हेल्ड हुई थी ठीक है इन द क्लासिकल ग्रीक पीरियड जब ग्रीक एंपायर अपने पीक पे था वहां पे एक कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई थी जिनका टॉपिक था एजेंडा था ऑन लिबर्टी ऑफ स्पीच तो वहां से एरियो पैगे से उन्होंने नेम उठाया है एरियो पैकेटिका इज अ प्रोज एसे इट इज अ प्रोज पैम्फलेट रिटन बाय मिल्टन ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच यूजीसी नेट का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये कई टीजीटी पीजीटी का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यूपी टीजीटी का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कई बार पेपर में आया हुआ है नुपुर आपके क्वेश्चन को मैंने आंसर कर दिया थोड़ी देर पहले वीडियो को बैक करके देखिए आपको मेरा आंसर मिल जाएगा सेड ऑफ मिल्टन सोल लाइक अ स्टार एंड मैथ्यू आर्नल वर्सवर्ड डॉक्टर जॉनसन या फिर कीट्स अमन पढ़ाई करो चलो क्वेश्चन को देखो और आंसर करो हम्म hmm. किसने कहा था मिल्टन के बारे में हु सेड इट अबाउट मिल्टन विलियम वर्ड्सवर्थ मिल्टन दुड इज बी लिविंग एट दिस आर Who remembers Milton so passionately in a sonnet Shelley Matthew Arnold John Keats William Wordsworth So no 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 Suman the exam has is going to get rescheduled पेपर अब संडे को नहीं हो रहा है। एग्जाम इज गोइंग टू गेट रीशेड्यूल्ड तो अभी पता नहीं पेपर कब होगा तो अभी तो कुछ भी नहीं आया है द राइट आंसर इज वर्ड्सवर्थ ये जो पिछले दोनों पिछले वाला क्वेश्चन है 54 और 55 क्वेश्चन ये दोनों ही जो है विलियम वर्ड्सवर्थ का सोनेट है लंदन 1802 सॉरी इंग्लैंड सॉरी 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 इंग्लैंड

जेकोबियन एज कैरोलाइन एज कैरोलाइन एज कॉमनवेल्थ एज एलिजाबेथन एज जेकोबियन एज लंडन ही है ना हाँ, ठीक है लंदन लंदन 1802 थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीबॉडी थैंक यू सो मच आई आल्सो टेंड टू गेट कंफ्यूज सम टाइम्स इन नेम्स इन इयर्स हम मिल्टन कौन सी पीरियड्स में कंटेंपरेरी थे वेरी गुड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए उनका बर्थ होता है कैरोलाइन पीरियड में उनकी हाईएस्ट पॉलिटिकल एक्टिविटीज चलती है कॉमनवेल्थ पीरियड में और रेस्टोरेशन पीरियड में कॉमनवेल्थ और रेस्टोरेशन में वैसे भी डिफरेंस नहीं है ना कॉमनवेल्थ 1649 में शुरू हो जाता है 11 साल ही चलता है उसके बाद हंड्रेड तक जो है वो आपका चलता है रेस्टोरेशन एज इनकी पैराडाइज लॉस्ट का फर्स्ट एडिशन वैसे भी 1667 में आया था इसका सेकंड एडिशन 1674 में आया था तो तब तक तो ये लिविंग ही थे ना तब तक तो लिविंग ही थे तो तीन एजेस के थ्रू ये रहे हैं ओके वॉट पोज इट मिल्टन होल्ड ड्यूरिंग द गवर्नमेंट कॉमनवेल्थ पीरियड में इनको हम्म hmm. कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट में इनको एक ऑफिशियल पोजीशन दी गई थी कौन सी पोजीशन थी वो लैटिन सेक्रेटरी पर्सनल सेक्रेटरी ट्रू क्रॉमविल एजुकेशन सेक्रेटरी या प्यूरिटन सेक्रेटरी बताइए very good option a latin secretary is the right answer who is next in command after satan in the paradise lost paradise lost may satan is the leader of the fallen angels who's the second in command mammon balim mulok ya beelzebub द राइट आंसर इज वेरी गुड बी एल्स बाब क्रिस्टोफर मार्लो के प्ले डॉक्टर फोस्टस में एक फॉलन एंजल एक डीमन आता है ठीक है फ्रॉम द पार्टी ऑफ डेवल कौन है वो उसका नाम क्या है क्रिस्टोफर मार्लो के पैराडाइस लॉस क्रिस्टोफर मार्लो के डॉक्टर फोस्टस प्ले में कौन सा जो है आता है डीमन आता है ये भी बताओ मुझे. इज लॉस डू वी हियर दीज लाइन्स बुक फोर बुक टू बुक वन बुक सिक्स सो कुंदन यस डेली फोर टू फाइव पी एम डेली इसी पेज पे फोर टू फाइव पी एम

सेटन की लाइंस है बुक वन में ये हमें सुनने को मिलती है जी वॉट सॉरी हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन पैराडाइज लॉ सिंपल क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डू नॉट मेक अ मिस्टेक हियर डू नॉट मेक अ मिस्टेक हियर वेरी सिंपल एंड डायरेक्ट क्वेश्चन बट इट हैज बीन आस्ट इन प्रीवियस ईयर पेपर इन यूपी टी यस वेरी गुड टोटल ट्वेल्व बुक्स हैं जो फर्स्ट एडिशन आया था सिक्सटीन सिक्सटी सेवन का उसमें टेन बुक्स आई थी उसके बाद जो है सिक्सटीन सेवेंटी फोर में जब इसका सेकेंड एडिशन आया है तो वो बुक्स को रीअरेंज करके ट्वेल्व बुक्स में ला दिया था मिल्टन सैमसन एगेस्टिस मिल्टन की सैमसन एगनेस्टिस क्या है पोइटिक प्ले है पोइटिक बायोग्राफी है सैमसन की एपिक है या फिर नैरेटिव पोएम है मिल्टन का सैमसन एग्नेस्टस क्या है पोइटिक प्ले है पोइटिक बायोग्राफी है एपिक है नैरेटिव पोयम है बताइए राइट आंसर इज ऑप्शन वन इट इज अ पोइटिक प्ले मिल्टन रोड एरियो पैगेटिका टू डिफेंड द कॉज ऑफ द रेजाइज रेजिसडिस टू कंडेम द डीड ऑफ द रेजिसडिस टू डिफेंड पीपल्स फ्रीडम ऑफ स्पीच टू प्रोपोगेट हिस्स फेथ इन प्योरिटानिजम वेरी सिंपल अभी अभी हमने बात की है टू डिफेंड पीपल्स फ्रीडम ऑफ स्पीच ज्यादा इस क्वेश्चन पर टाइम नहीं वेस्ट करेंगे इन विच बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट एडम एंड ईव नीड फॉर द फर्स्ट टाइम बुक वन बुक फोर बुक थर्ड बुक सेकेंड कौन सी बुक है पैराडाइज लॉस की जिसमें एडम और ईव जो है वो पहली बार मिलते हैं बुक वन बुक फोर बुक थ्री बुक टू द राइट आंसर इज बुक फोर बुक फोर में एडम और ईव पहली बार मिलते हैं विच बुक ऑफ पैराडाइज लॉस बिगिन विद इन इन्वोकेशन टू लाइट वैसे तो जो पैराडाइज लॉस्ट है उसमें इन्वोकेशन टू द म्यूज है ना कौन सी वाली उसकी बुक है जिसमें बिगिनिंग में इन्वोकेशन लाइट को है बुक थर्ड बुक फोर्थ बुक नाइन्थ बुक सिक्स्थ जी द राइट आंसर इज बुक थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन मिल्टन हैज रिटन अनादर पोएम एंड टाइटल इन पेंसिरोसो विथ वॉट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द टाइटल इनकी पोएम एल पेंसिरोसो इसका टाइटल का मीनिंग क्या है वेरी लाइवली मैन वेरी ब्रेव मैन वेरी मिलेंकली मैन वेरी टॉलरेंट मैन So yes, I I know eighteen Tarun, but let me confirm. If you check from another source, you know sources do have different informations. As far as I remember, it is eighteen. But uh, why don't you let it? Let me check this. Why don't you put this doubt in the comment section so that on top of that I can put my answer. So please do that. Thank you. The right answer is a very melancholy person. Il penseroso is a sister poem, mirror poem with Le allegro. ले अलेग्रो में है अ वेरी हैप्पी मैन इल पेंसिरोसो में है अलैंग मैन इन मिल्टन फेमस मासक्टर इज सर्सी द बिलवेड ऑफ कोमस द क्वीन ऑफ फेरीज मदर ऑफ कॉमर्स पैस्टोरियल गॉडेस सर्सी एक बहुत ही फेमस एक सोसरिस है जादूगर जादूगरनी सोसरिस कैरेक्टर है इससे पहले इसका जो कैरेक्टर uh, है वो और वर्क्स में भी जो है देखा गया है ठीक है ना और वर्क्स में भी इसको देखा गया है सरसी इज अ वेरी फेमस कैरेक्टर अदरवाइज पे वो क्या है शी इज द मदर ऑफ कोमस किसकी मदर है कोमस द मॉन्स्टर की दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट ये जॉन मिल्टन के कौन से ट या कौनसी पोयम से लिया गया टाइटल था टू लॉर्ड जेनरल फेफैक्स टू लॉर्ड जेनरल क्रॉमवेल टू सर हेनरी वेल या फिर ऑन हिज ब्लाइंडनेस हम्म वेरी गुड राइट आंसर इज ऑप्शन बहुत सारे पोलिटिकल पैम्फलेटियरिंग करते रहते थे उनको हम क्या बोलते थे ट्रैक्ट रिव्यूज ऑब्जर्वेशन या ट्रीटीज क्या बोला करते थे उनको लास्ट फिफ्टीन मिनट टू गो फोर थर्टी विल वाइंड अप द सेशन प्लीज लेट्स ट्राई टू कवर एज मैनी क्वेश्चन एज पॉसिबल द राइट आंसर इज ऑप्शन ए ट्रैक्ट्स उनके पोलिटिकल और एसेज को हम ट्रैक्ट्स बुलाते थे ठीक है द एज ऑफ जॉनसन कवर्स द पीरियड एज ऑफ जॉनसन कौन सा पीरियड था इंग्लिश लिटरेचर का सेवनटीन फोर्टी फाइव टू सेवन सेवनटी से हाँ जी वेरी सिंपल क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन आई थिंक कॉम्प्लिकेटेड एब्सोल्यूटली फाइव टू इज द एज ऑफ जॉनसन जॉनसन नेक्स्ट क्वेश्चन इन पब्लिश सेन क्या था ये लॉन्ग पोयम है ट्रेजिडी है कॉमेडी है सटायर है 1749 में डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने इरीन पब्लिश किया था क्या था इरीन लॉन्ग पोयम है ट्रेजिडी है कॉमेडी है या फिर सटायर है ट्रेजिडी प्ले ऑप्शन बी इज करेक्ट इन ट्रेजिडी रिटन बायर सैम्यूल जॉनसन ने दूसरे पोएट्स की लाइफ पे लाइव लिखी थी बायोग्राफी लिखी थी उनकी लाइफ पे किस फेमस राइटर ने बायोग्राफी लिखी थी गोल्ड स्मिथ बोजवेल जोशुआ रेनल्स या फिर गिबिन बताइए सेवेंटी वन का सॉरी हाँ जी फटाफट से बता दो भाई द राइट आंसर इज बोजवेल बोजवेल ने डॉक्टर सैमुअल जॉनसन की लाइफ पे फेमस बायोग्राफी लिखी थी डॉक्टर जॉनसन होल हार्टेडली बिलोंग टू विच लिटरेरी स्कूल डॉक्टर जॉनसन किस स्कूल को बिलोंग करते थे स्कूल ऑफ पोइट्री को या स्कूल ऑफ राइटिंग को रोमांटिक स्कूल विक्टोरियन स्कूल ऑगस्टिन स्कूल या रेस्टोरेशन स्कूल बताइए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल भी इसमें तो कुछ डिफिकल्टी आनी नहीं चाहिए द राइट आंसर इज ऑगस्टिन अरे रोमांटिक स्कूल विक्टोरियन स्कूल ऑगस्टिन रेस्टोरेशन ऑगस्टिन स्कूल ऑगस्टिन स्कूल विल बी द राइट आंसर ऑगस्टिन स्कूल यानी क्लासिक्स को कॉपी करना क्लासिक्स को कॉपी करना ठीक है राइट आंसर इज ऑप्शन सी वॉट वॉज द नेम ऑफ दिथ जॉनसन स्टार्टेड इन इमिटेशन ऑफ द स्पेक्टेटर ऑगस्टन एज में द स्पेक्टेटर और दॉरी द टैटलर करके बहुत फेमस दो पिरोडिकल्स आए थे उनको इमिटेट करते हुए डॉक्टर जॉनसन ने अपना एक पिरोडिकल निकाला था उस पीडिकल का नाम क्या था द अवेकनर द ग्रामलर द रैमलर द मॉर्निंग स्टार Very good. The right answer is option C Rambler. Wordsworth's famous preface to the lyrical ballads was preface to the first edition of lyrical ballads, a rejoinder to Coleridge's Biographia Literaria, separate supplement to the lyrical ballads, preface to the second edition of the lyrical ballads.

एपिक पोयम है बाय एडमंड स्पेंसर उसका मेन कैरेक्टर कौन है किंग आर्थर मोर्फियस आर्शी मागो बताइए हां जी हां जी अंतिमा मंडे से बाबा मंडे से क्लासेस हैं डोंट वरी मंडे से वी विल स्टडी फॉर एचएसएससी टीजीटी ओके हां जी किंग आर्थर मेन कैरेक्टर सभी में ऑलमोस्ट सभी स्टोरी में आ जाते हैं किंग आर्थर सो वी हैव कवर्ड अच्छा नहीं वी हैव हैवंट कवर्ड दिस शुड बी सेवेंटी फिफ्थ अ पांच और क्वेश्चंस रह गए हैं व्हेन सिडनी पास्ड अवे स्पेंसर रोट इन एलर्जी ऑन हिज डेथ क्या थी वो एलर्जी एमोरेटी एपिथाल एस्ट्रोफेल या शेप कैलेंडर बताइए सर फिलिप सिडनी की डेथ हो जाने पर स्पेन्सर ने उनके ऊपर एक एलर्जी लिखी थी क्या थी वो एलर्जी एमोरेटी एपिथाल एस्ट्रोफेल या शेपडस कैलेंडर हां जी द राइट आंसर इज एपी ओ सॉरी नो सॉरी द राइट आंसर इज ऑप्शन सी एस्ट्रोफेल एस्ट्रोफेल सर फिलिप सिडनी ने एक, एक सोनेट का सीक्वेंस लिखा था एस्ट्रोफेल एंड स्टेला एडमिंड सिडनी की डेथ पे एक एलिजी लिख दी थी जिसका नाम था एस्ट्रोफेल ठीक है एस्ट्रोफेल इज द राइट आंसर फेरी क्वीन एक एलिगरी है इसमें क्वीन एलिजाबेथ को कौन से कैरेक्टर के थ्रू एलिगराइज किया गया डुएसा कैरे ऊना ग्लोरियाना बताइए सेवेंटी सेवेंथ क्वेश्चन सेवेंटी सेवन क्वेश्चन है ये फेरी क्वीन में क्वीन एलिजाबेथ को कैसे किस कैरेक्टर के थ्रू एलिगराइज किया गया है कैरिसा ऊना ग्लोरियाना द राइट कैरेक्टर इज माई डियर लर्नर्स ऑप्शन डी ग्लोरियाना वेरी गुड ट्रू सेवेंटी एट क्वेश्चन स्पेंसर को पोएट्स पोएट किसने कहा था स्पेंसर को पोइट पोइट poet कहने वाले कौन थे चार्ल्स लैम, सिडनी हैजलेट मैथ्यू आर्नल्ड सेवेंटी एट क्वेश्चन द राइट आंसर इज ऑप्शन ए चार्ल्स लैम सेवेंटी नाइन क्वेश्चन Spencer's fairy Queen was was planned to to be completed in, sorry, not books. books? But he was only able to complete how many फॉर्मेट ही रॉन्ग है मैं आपको बता देती हूँ उन्होंने टोटल ट्वेंटी फोर बुक्स का प्लान किया था पर वो सिर्फ सिक्स बुक्स को ही कंप्लीट कर पाए थे ठीक है स्पेंसर्स प्राइमरी purpose और मोटो

तो एडमिंड फेरी क्वीन क्यों लिखी थी ये आपने बताना है। हाई प्रीति गुड इवनिंग उन्होंने इस पो, इस वर्क इस के बिगनिंग में एक प्रिफेस ऐड किया था उस प्रिफेस में उन्होंने वो लेटर अटैच किया था जो उन्होंने सर वॉल्टर रेले को लिखा था उस लेटर में उन्होंने कन्फेस किया है कि उन्होंने इस वर्क को लिखा है एक नोबल मैन को फैशन करने के लिए अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी ठीक है ये मैंने ये क्वेश्चन में भी डाला हुआ है ठीक है तो वॉल्टर रेले स्पेंसर की एपीथैलोमियन क्या है एलर्जी है नैरेटिव पोयम है वेडिंग हिम है सोनेट है ये हमारा एटीएथ क्वेश्चन है पर मैं आपको एटी फर्स्ट क्वेश्चन करा के क्लास को छोड़ूंगी ठीक है थोड़े से चार पांच और क्वेश्चन कर लेते हैं स्पेंसर की एपिथेलोमियन क्या है एल है नैरेटिव पोयम है वेडिंग हिम है सोनेट है 89 का बताइए वेरी गुड इट इज अ वेडिंग हिम ठीक है स्पेंसर की एमोरिटी क्या है स्पेंसर रोट अ सीरीज ऑफ सोनेट्स इन ऑनर ऑफ हिज लेडी लव एलिजाबेथ बॉयल दैट ही हुम ही मैरिड लेटर व्हाट टाइटल डिड ही गिव टू दी सीरीज एमोरिटी वीनस एंड आर्टेमिस एपिथैलेमियन या फिर एस्ट्रोफिलेंस टेला आज यही क्लास है पूजा यही टीजीटी की क्लास है कल से कंटिन्यू करूंगी मैं पूजा कल मैं कैंटेबेरी टेल्स पढ़ाऊंगी चार्ल्स जॉफरी चौसे का ठीक है चार बजे <coughs> क्या आंसर है इसका इसका राइट आंसर है एमओ रेटी ठीक है द सिवियर क्रिटिसिजम ऑफ एंडीमियन विच इज बिलीव टू हैव हेस्टन कीड्स डेथ अपियर कौन सी रोमांटिक मैगजीन में वो स्कैटिंग क्रिटिसिजम आया था अगेंस्ट कीड्स एंडीमियन जिसकी वजह से कहते हैं कि उनकी जो डेथ है वो हेस्टन हो गई थी फास्ट एनअप हो गई थी क्वार्टरली रिव्यू एडनवर्ग रिव्यू ब्लैकवुड्स मैगजीन लंडन मैगजीन बताइए

यूट्यूब uh, क्लासेस अलग है पेड बैचेस अलग है एच एस एस सी का बैच भी अलग है यूट्यूब क्लासेस्यूटली बिल्कुल हांजी डिजीज ऑफ कंजम्पशन कंजन की डिजीज बेसिकली मतलब ट्यूबर ट्यूलोसिस उनकी मदर की डेथ भी ऐसी हुई थी उनके ब्रदर की डेथ भी ऐसी हुई थी ड्राउन करके शैली मरे थे इसकी डेथ हुई थी ड्राउन करके शैली की ठीक है हाँ जी हाईपीरियन में किन के बीच में वॉर दिखाया गया है हाईपीरियन में किन के बीच में वॉर दिखाया गया है सेटन एंड आर्क एंजल्स गॉड्स एंड डेवल्स टाइटन एंड ओलंपियंस ग्रीक्स एंड ट्रोजन्स आइपीरियन जो है इट इज़ एन अनफिनिश्ड पोएम एपिक पोयम बाई जॉन कीट्स उसमें किसके बीच का वॉर दिखाया गया है ऑप्शन सी वेरी गुड टाइटन एंड ओलम्पियंस द ओल्ड जनरेशन ऑफ गॉड्स एंड द न्यू जनरेशन ऑफ गॉड्स लेमिया कौन थी फेरी एंड चैनट्रेस सर्प एंड वुमन निम्फ कीट्स ने पोयम लिखी थी लेमिया उसमें लेमिया कौन थी ऑप्शन सी शी वॉज अट वेला इज अ स्टोरी ऑफ लव बिटवीन ईजा बेला एंड अगेन जॉन कीट्स की पोयम है ईजा बेला की ईजा बेला इज अ लव स्टोरी ऑफ लव बिटवीन ईजा बेला एंड ये इसका दूसरा नाम है इस पोएम का द ईव ऑफ सेंट एग्नेस। इस पोएम का अल्टरनेटिव टाइटल है ईव ऑफ सेंट कोर्स लो ना डिस्काउंट कूपन कोड ये लगा लिया करो इससे आपको डिस्काउंट मिल जाया करेगा सेवेंटी एट परसेंट का यूपी पीजीटी क्योंकि अभी नए कोई बैच नहीं रिकॉर्डिंग्स मिलेगी वो आपको शायद अठारह रुपए का मिलेगा बहुत सस्ता मिलेगा श्वेता ठीक है द राइट आंसर इज लास्ट क्वेश्चन आज का अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय अवर कीट्स ने अपनी कौन सी फेमस लॉन्ग पोएम को शुरू किया था इस कॉमेंट से इस कोट से हाइपीरियन ईव ऑफ सेंट मार्क ईव ऑफ सेंट एग्नेस या एंडिंग लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे पॉट ऑफ इज अ सेपरेट वन पॉफिरो वाली स्टोरी और ईजा वाली स्टोरी वो है जिसमें कि सेंट एग्नेस के ईव पे वो प्रे कर रही होती है वो उसके कमरे में कूद जाता है वो सपना देख रही होती है अपने लवर का वो उसके सामने आ जाता है उसको कन्विंस करता है घर से भागने के लिए लेकिन ये लोग पकड़े जाते हैं और मारे जाते हैं वो वाली स्टोरी है ये पॉट ऑफ बेजिल में तो उसके जो भाई हैं हमारी फ़ीमेल कैरेक्टर के उसके भाई जो है उसके लवर को मार देते हैं उसका सिर जो है काट के वो फिर एक बेजिल के पॉट में लगा के जो है उसको उसका ध्यान रखती है वो वाली पोएम है ये वाली जो हमारी पोयम है इस ये है एंडिमियन एंडिमियन इज द राइट आंसर इसी के साथ आज के वंडरफुल सेशन को मैं करना चाहती हूँ ख़त्म पहले तो मुझे फटाफट से ये बता दो सेशन कैसा लगा अपने अपने कॉमेंट ज़रूर दें एक्स्ट्रा डाउट्स वीडियो के नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिखें मैं रोज़ रात को सोने से पहले एक्स्ट्रा कॉमेंट सेक्शन पढ़ती हूँ मेरी हर क्लास के डेली के तो ज़रूर आपके डाउट्स को मैं इसमें आंसर करूंगी एंड आई होप आज की क्लास से आपको बेनिफिट मिला होगा जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता हम बीच बीच में ऐसे जो है मैराथन सेशन प्लान करते रहेंगे ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो पेपर ज़रूर री होना है आपने अपनी तैयारी नहीं छोड़नी आपने जो है अपने आपको ढील जिला नहीं छोड़ना है दिस इज द टाइम जब आप अपने उन टॉपिक्स को कवर करेंगे जो आपने पहले नहीं किए थे ठीक है ये टाइम को यूटिलाइज कीजिए दूसरे लोगों से अपने कंपटीशन से आगे बढ़ने का तो इसी के साथ आज के सेशन को एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर बीइंग विद मी टुमारो आई विल मीट एट द रेगुलर टाइम 4 पीएम वाला जो मेरा टाइम है जिसमें कि कल मैं कैंटरबरी टेल्स आपको पढ़ाऊंगी ठीक है एच एस एस सी वाले स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है डी ट्रिपल एस बी टी जी टी वाले स्टूडेंट्स पी जी टी वाले स्टूडेंट्स सभी के लिए इंपॉर्टेंट है तो जरूर उस क्लास में आइएगा किसी भी कोर्स में एनरोल करना है कोड ये लगा लेना वाई फाइव फोर टू इससे आपको किसी भी किसी भी कोर्स में सेवेंटी एट परसेंट का मैक्सिमम डिस्काउंट जो है अवेल हो जाएगा दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू सो मच एवरीबॉडी हैव अ वेरी गुड डे थैंक यू वेरी मच बाय बाय